और स्टिक एंड पर आपको नजर आएंगे वहां पर अब है पहला गेंद और ये लीजिए दुर्गापुर से आए हैं लेकिन कहीं ना कहीं खटाल के मैदान में सबको चौंकाएंगे आते ना आते ही मैक्सी का लंबा सल्ला मिला चौका तो वन सेकेंड प्लीज दूसरा गेंद भैया क्या राजा और क्या सिंहासन जब पीट्स करे गेंदबाजों के साथ इस तरह के शासन तो भैया दुर्गापुर का राजा घटाल में चमक रहा है दो गेंद दो चौका हुआ खूबसूरत सा ये टिप टॉप कप का मैदान साहेब भाट का मैदान टिप टॉप कप 2023 सीजन 3 स्ट्राइक पर फिर एक बार प्रिंस मैक्सवेल पहला दो गेंद से दो चौका सामने दीवार खड़ी कही है प्रिंस मैक्सवेल शॉट तो अच्छा था लेकिन पीछे फील्डर उपलब्ध है तो रन मिलेगा नहीं तो चलिए यहाँ पे आपको पहले ही बोला था अंपायर का नाम बीमल सिंह है तो इनके आंखों में धूल झोंकना मुश्किल है क्या संकेत आएगा क्या यहाँ पे चौका आएगा या फिर बीमल सिंह माई फॉल्ट ये कहते हुए अंपायर सर और इंसानों से ही तो गलती होता है हम इंसान हैं और इंसान ही गलती करते हैं और जब तक इंसान अपने गलती को सुधार लेते हैं ना वह भगवान के रूप धारण करते हैं तो हमारे साथ बीमल सिंह मैच ऑफिशियल की जिम्मेदारी को संभालते हुए वन सेकेंड भैया एक बार फिर सेम शॉट और इस बार उससे भी बेहतर अरे जियो मेरा लाल अपने कर दिया कमाल चौका तीन चौका अभी तक मैक्सी के बल्ले से इस बार पटका हुआ गेंद गिरने के बाद हल्का सा नीचे रहा तो आखिरकार वापसी की है यहाँ पर आशिक जरूर चाहेंगे अंतिम गेंद में अगर प्रिंस मैक्सवेल का बड़ा विकेट निकाल सकते हैं तो खुश करेंगे अपने समर्थकों को प्रिंस मैक्सवेल सीधा बल्ला से खेलने का प्रयास था भैया कल का ही तो शाम था आसानसोल के मैदान में ऐसा एक ड्राइव देखने मिला था कि दर्शक मजबूर हो गए थे सीट को छोड़ के खड़े होने में तो पहला ओवर की समाप्ति एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 12 तक हम पिछले 10 सालों से शॉर्ट एंड क्रिकेट को खेलते आ रहे हैं विश्व और विश्व को जीतना होगा आज गेंदबाजी के सहारे आते नाते इस ओवर के यस नो प्रिंस मैक्सवेल अपने पैरों को 3.5 लाख के रॉयल एनफील्ड के अंदाज में भगाएंगे और पहुंच जाएंगे जगह पर पूरा करेंगे एक रन तो एक रन के सहारे से स्कोर पहुंचा है 13 तक स्ट्राइक में फिर एक बार लौट के आते हुए प्रिंस मैक्सवेल बेहतरीन गेंदबाजी अजब गेंदबाजी आला गेंदबाजी उच्च कोटि का गेंदबाजी मेरे ही तो मुकाबला है दोनों तरफ दिग्गज है लेकिन कहीं ना कहीं मुकाबला सिर्फ बल्लेबाजी और गेंदबाजी का नहीं मुकाबला सोच का है मुकाबला मेहनत का है मुकाबला टैलेंट का है कौन किसके ऊपर भारी है और मुकाबला को समाप्त करके कौन सीना को चौड़ा करके मैदान को छोड़ेगा महादेव जाना बाड़ी गुंडली अपनी होती सत्तर अपना बाड़ी चले जान सर वो घर नहीं जाना चाहते हैं मुकाबला खास है आप जबरदस्ती घर भेज रहे हैं उन्हें ऐसे थोड़ी है सर मैच देखने दीजिए घर बाद में जाएंगे अब भाई स्ट्राइक पर देखिए रिवर्स यहाँ पर अब भाई कहीं ना कहीं जरूर चाहेंगे अच्छा शुरुआत देने के लिए लेकिन जिस तरह से ये गेंदबाज ने गेंदबाजी किया है विश्व काबिल है तारीफ गजब की गेंदबाजी विश्व से लेकिन कदमों का इस्तेमाल उतना ही बेहतर फील्डिंग यस नो मौका बन सकता है लेकिन भैया जान को हाथ में लेके दौड़ लगाए थे और आखिरकार राहत का सांस लेंगे CO2 को छोड़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे ऑक्सीजन को अपने अंदर डालेंगे प्रिंस मैक्सवेल क्या चौका मिलेगा मिल जाएगा नाम अभय है लेकिन गेंद को लड़कियों के पास भेजा है क्योंकि फीमेल फेल सुन
उनका बहुत ज्यादा है पूरे भारत में। चलिए थैंक यू गाइस। दमदार मैक्सवेल साइड के बाहर का गेंद काफी बेहतरीन गेंदबाजी, अच्छा गेंदबाजी यहां पर लालू गेंदबाजी पर छोटे कट का गेंदबाज वन सेकेंड। ये देखिए लालू भैया, मैं हमेशा कहता हूं ना ये खेल क्रिकेट का है, ना यहाँ आपका हाइट देखा जाता है ना यहाँ आपका उम्र देखा जाता है, यहाँ तो सिर्फ आपका टैलेंट देखा जाता है। छोटे कट का ये गेंदबाज प्रिंस मैक्सवेल को अभी तक तो बांध के रखा है लालू ने, लेकिन शुरुआत अच्छा हुआ है। डिसीशन आया है यहाँ पर, लेकिन प्रिंस मैक्सवेल देखना पड़ेगा बीमल सिंह जा रहे बात करने के लिए, क्या डिसीशन आएगा। आउट का डिसीशन आया है, लौटना पड़ेगा। बहुत बड़ा सफलता, जिस गेंदबाज का जिक्र कर रहा था लालू वो गेंदबाज शंका है। पहला दो गेंद बॉट कराया था, दबाव बनाया था और आखिरकार सफलता दिलाया है लालू ने। जाता है तो कोई निखर जाता है। स्ट्राइक पे नया बल्लेबाज द मैन फ्रॉम दुर्गापुर रिशु आया है, राजकुमार रिशु। आते ना आते ही भैया कुछ खिलाड़ी मैदान में आके सेट होते हैं और कुछ खिलाड़ी मैदान के बाहर अपने मारुति सुजुकी ऑल्टो के अंदर से है सेट होके आते हैं, तो गाड़ी के अंदर से सेट होके आए हैं। आते ना आते ही चौका लगाया है रिशु। एक बार स्ट्राइक पर रिशु, वन सेकेंड शॉट तो कड़क है लेकिन उतना ही अच्छा फील्डिंग और क्या गजब का ओवर, क्या बेहतरीन ओवर यहां पर लालू से। पांच गेंद से स्वीप एक चौका खर्च किया है ये गेंदबाज, कमाल का गेंदबाजी लालू के द्वारा। अंतिम गेंद फिर एक बार बेहतरीन गेंदबाजी और ये मुकाबला में जेकेएस पलासपाई वो अब इस मुकाबला में ड्राइविंग सीट में है ये कह सकते हैं, क्योंकि तीन ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है 22 तक 22 पहुंचा है स्कोर। न्यू बॉलर इंट्रोड्यूस टू द बॉलिंग मार्क, बट इज द फर्स्ट टाइम वंस अगेन 4-2 स्टार्ट द ओवर फ्रॉम द बैट ऑफ आत्मनिर्भर आपाई, इट्स अ बाउंड्री। Right now, once again, Shafai ready for the next delivery. This time, trying to play the reverse sweep shot after pitching, it bounces a little bit. That's why complete repeat. And this time, dancing into the crease. There is a slide outside. Only one run taken. So from first three deliveries, only five run added to the scoreboard. With those five runs, score moves to 27. Last three deliveries remaining, fourth over is going on. From first three deliveries, only five runs. This time, once again, one of the most destructive finisher of Bengal Southern Cricket, Rajkumar Rishu is ready to face the next delivery. The bowler, but as we all know, but the cool, the calm, the composer bowler, but let's see. This time a reverse, Rajkumar Rishu. It's a beautiful classical one, you can say. Beautiful timing. And with this beautiful timing, the ball races away to the boundary line for 4 runs. This time, once again, a reverse, only 1 run. That was the fielder, Sunil Adhikari was there. That's why only 1 run taken. With the 1 run, the over is last ball remaining. With the 1 run, the score moves to 32. The score is 32. Last ball remaining. Apni Barabai trying to play through the fine leg reason. Once again, a single to end the over. At the 4 over, the score is 33. 3-1, Deep Enterprise, Tamlu. Lalu Hattaka.
ওখানে বলাতে লালু শ্রেষ্ঠ বলের প্রথম বল এক্ষেত্রে কিন্তু চমৎকার ফিল্ডিং আর বড় মঞ্চে জয় ছিনিয়ে নিতে হলে শুধুমাত্র কিন্তু ব্যাট এবং বল শুধুমাত্র ব্যাট এবং বল নয় কোথাও না কোথাও ফিল্ডিং এর মধ্যে কিন্তু ওখানে ভরসা দেখাতে হবে এক্ষেত্রে চমৎকার ফিল্ডিং দেখলাম প্রথম বল থেকে মাত্র একটি রান দুর্গাপুরের খেলোয়াড় রাজকুমার রিশু অনবদ্য অতুলনীয় চমৎকার स्कोर पहुंच चुका है 39 तक स्ट्राइक में फिर एक बार राजकुमार रिशु रिवर्स आएगा भैया दुर्गापुर का ये कल था दुर्गापुर का ये आज है चौका लगा के बताया कि सॉटन क्रिकेट का बेताज बादशाह हम हैं तो चौका मिला है रिशु को फिनाले मुकाबला आता है तो ये खिलाड़ी चमकता है Once again, reverse, लेकिन मिलेगा स्वीप एक रन तो इसे एक रन के साथ स्कोर में होगा बढ़ोतरी आहिस्ता आहिस्ता स्कोर पहुंच चुका है 44 तक 44 स्ट्राइक पे नॉट क्या है आत्मनिर्भर भाई रिवर्स आएगा और यातना ही अच्छा फील्डिंग आला रे आला उड़ता हुआ सेव आला बेहतरीन फील्डिंग वहां पे गजब का फील्डिंग क्या बेहतरीन फील्डिंग और स्कोर पहुंच चुका है 44-45 तक 45 तो राजकुमार रिशु क्या फिर एक बार चौका देखने मिलेगा या फिर डॉट बॉल आएगा यहां से चलिए कदमों का इस्तेमाल था लेकिन पूरी तरह से चकमा दिया है और क्या बेहतरीन गेंदबाजी खूबसूरत गेंदबाजी भैया इतना खूबसूरत कि बॉलीवुड में माधुरी दीक्षित को छोड़िए सोनाक्षी सिन्हा को भी छोड़िए आजकल तो उर्फी जावेद चल रहे हैं उर्फी जावेद से भी ज्यादा खूबसूरत ये गेम Hey viewer, thanks for watching my video. Be sure to subscribe.